एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। माईसेल्फ राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 3। तो बच्चों, चलिए आज हम जो है रिवीजन करेंगे लेसन 3 का, चांद वाली अम्मा। चलिए करते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इन शब्दों का जो है हम अर्थ लिखेंगे, परेशानी का हैरानी लिखेंगे, रस्साकसी का खींचातानी लिखेंगे, मदद का लिखेंगे सहायता, हरकत का शरारत लिखेंगे, झट का शीघ्र या जल्दी भी लिखेंगे। अब आते हैं पाठबोध में। तो देखिए, नंबर 1 है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। क नंबर में देखिए, बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। तो यहाँ पर जो है गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि बूढ़ी अम्मा जो है अकेली रहती थी। ख नंबर, वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती, इसको सही मारेंगे। ग नंबर, वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, ये भी हमारा सही होगा। घ नंबर, कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा की दोस्ती हो गई, ये गलत होगा। अंग नंबर, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, ये सही होगा। अब देखिए, खाली स्थान भरेंगे, है ना। क का देखिए, अम्मा उसे डेस्क देखती तो वह थोड़ा हट जाता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घूर कर। तो क्या होगा, अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। ख नंबर, अम्मा झाड़ू लगाए और डेस्क उसे तंग करे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आसमान। तो ये होगा हमारा, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ग नंबर, अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर डेस्क किया, तो हम यहाँ लिखेंगे वार। तो ये होगा हमारा, अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। घ नंबर, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और डेस्क पर चढ़ गई, तो यहाँ हम लिखेंगे चांद, है ना। तो ये होगा हमारा, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अंग नंबर, अम्मा डेस्क सहित चांद पर रह गई, तो हम यहाँ लिखेंगे झाड़ू। तो ये होगा, अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अब चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देंगे, है ना। क नंबर, अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी, क्या क्या काम करती, तो हम उत्तर में लिखेंगे, अम्मा घर में झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना और कुएं से पानी लाना आदि काम करती थी। ख नंबर, जब अम्मा झाड़ू लगाती तब आसमान क्या करता, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब अम्मा झाड़ू लगाती तब आसमान हमेशा उसके कमर से टकराता था, है ना। ग नंबर, अम्मा को ऊपर क्या दिखाई दिया, तो हम लिखेंगे उत्तर, अम्मा को ऊपर चांद दिखाई दिया। घ नंबर, अम्मा कहाँ बैठी है, हम उत्तर लिखेंगे, अम्मा चांद पर बैठी है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। क नंबर, अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी, उत्तर में हम लिखेंगे, अम्मा घर में झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना और कुएं से पानी लाना आदि काम करती थी। ख नंबर, अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार क्यों किया, उत्तर लिखेंगे, अम्मा जब भी आंगन में झाड़ू लगाती तो आसमान हमेशा उसके कमर से टकराता था, इसलिए उसने आसमान पर झाड़ू से वार किया। ग नंबर, आसमान ने झाड़ू क्यों छोड़ दी, उत्तर लिखेंगे, आसमान ने सोचा, यदि चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, यही सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। घ नंबर, कविता का मूल भाव लिखिए, हम उत्तर में लिखेंगे, इस कविता का मूल भाव यह है कि किसी भी असहाय और निरीह व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। चलिए दूसरे पेज में, अब व्याकरण का जो है प्रश्न लिखेंगे। देखिए, उचित मिलान करके सही शब्द बनाएंगे और खाली स्थान में यहाँ पर लिखेंगे, है ना। क में दिया है, देखिए, काम यहाँ पर दिया है सानी, ख में आस, यहाँ पर दिया है कर, ग में परे, पर यहाँ पर दिया है काच, घ में घूर
और यहाँ पर दिया रथ, अंगों में सरा और यहाँ पर मान। तो इसको जो है सही शब्द दोनों में से खोज कर मिलाएंगे और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिया है वहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए काम का आपको एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कामकाज, तो इसी तरह से होगा देखिए आसमान है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आसमान। उसके बाद ग का परेशानी, ये देखिए यहाँ पर मिलाएंगे परेशानी, यहाँ पर लिखेंगे परेशानी। घ नंबर घूर, घूर कर है ना, तो यहाँ लिखेंगे घूर कर। अब देखिए सरा रथ, तो यहाँ लिखेंगे सरारत। अब चलिए आते हैं, दिए गए शब्दों को सही गुब्बारों तक पहुँचाना है। सच्चा, अम्मा, बच्चा, चिल्लाना, रस्सी, कुत्ता, गुस्सा, हिम्मत, किस्सा, बल्ला, उल्लू, पत्ती, गत्ता, चम्मच, कच्चा है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हमको लिखना है, पहले गुब्बारे में मम दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे अम्मा, हिम्मत, चम्मच हुआ। यहाँ पर चौ चौ दिया हुआ है तो देखिए कच्चा, सच्चा, बच्चा। डबल तौ दिया हुआ है कुत्ता, पत्ती, सत्ता है ना। डबल सौ दिया हुआ है देखिए आधा सौ और पूरा सौ है ना, मूर्धन दंती सौ है कि नहीं, तो यहाँ होगा रस्सी, गुस्सा, किस्सा। अब देखिए डबल लॉ है चिल्लाना, बल्ला, उल्लू है ना। अब विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए विपरीत बोलने से अपोजिट वर्ड है ना। क नंबर अपना का पराया, ख नंबर चढ़ना उतरना, ग नंबर चलना रुकना, घ छोड़ना पकड़ना, अंग नंबर शुरू ख़त्म, च नंबर हार का जीत, छ नंबर ऊपर का नीचे, ज नंबर सुख का दुख हो गया। अब चलिए अक्सर हम कई चीज़ों की तुलना चांद से करते हैं, इस आधार पर सही वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा करेंगे है ना। तो क नंबर का देखिए चांद जैसा गोल, ख नंबर में चांद जैसा मुखड़ा, ग नंबर चांद जैसा शीतल, घ नंबर चांद जैसा सुंदर हो गया। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में काम वाले शब्दों को हरे रंग से रेखांकित करना है, तो हम क का देखिए यहाँ पर करेंगे कहाँ पर, अम्मा कुएं से पानी लाती थी, पानी लाती थी यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ख नंबर में वह खाना बनाती थी, तो यहाँ पर खाना बनाती थी इतना अंडरलाइन करेंगे। ग नंबर में वह रोज़ घर में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाती थी यहाँ पर इतना करेंगे। घ नंबर आसमान उसे तंग करता था, तो यहाँ पर लिखेंगे तंग करता था मैं है ना। अंग नंबर एक बार उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। तो ऊपर दी गई पंक्तियों में वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे हम उत्तर में अम्मा के लिए। यहाँ उसने शब्द किसकी जगह आया है, तो हम ये इसका उत्तर लिखेंगे आसमान के लिए है ना। यहाँ शब्द जो है आसमान के लिए आया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो इसको आप जो है अपने कॉपी में अच्छी तरह साफ साफ शब्दों में लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे है ना बच्चों। धन्यवाद।